तो आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बताऊंगा जिससे कि आप सभी फिटनेस के कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। सबसे पहले तो जानते हैं कि फिटनेस के हमारे पास पांच तरीके के जनरल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। ये आते हैं मेरे पास पांच जनरल कंपोनेंट्स किस चीज के, फिटनेस के। एंड अगर आप स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हो तो उससे पहले आपको ये पांचों कंपोनेंट्स को अचीव करना होगा। जब आप इन पांचों कंपोनेंट्स को अचीव कर लेते हो, अपने आप को ट्रेन करते हो इन पांचों कंपोनेंट्स के लिए, उसके बाद ही आप जा सकते हो एक स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए। एंड अगर आप स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के पास नहीं जाना चाहते हो तो भी ये पांचों कंपोनेंट्स के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए अगर आप कंप्लीट फिटनेस को अचीव करना चाहते हो। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारा होता है वार्म अप। वार्म अप में हम करते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग भी दो तरीके की होती है, डायनामिक स्ट्रेचिंग एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग में हम वार्म अप करते हैं, जैसे कि ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हो गया शोल्डर रोटेशन, लेग स्विंग हो गया है, या फिर हमारा ट्रंक रोटेशन हो गया, नेक रोटेशन हो गया, जो भी हमारे जनरल ड्रिल्स होती है वो आता है डायनामिक स्ट्रेचिंग में। वहां पे हम हमारे जो जॉइंट है उसको लुब्रिकेट करते हैं। एंड लुब्रिकेट किस चीज से करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड से। साइनोवियल फ्लूइड हमारा रिलीज होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है। एंड जब हम रिपीटिवली मूवमेंट करते हैं तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से निकलता है साइनोवियल फ्लूइड, जिससे कि हमारे जो जॉइंट्स है, जो हमारी बॉडी है, वो लुब्रिकेट हो जाती है। तो स्टार्टिंग होती है हमारी वार्म अप के साथ। ये तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट तक चलता है। क्या करते हैं इसमें हम, डायनामिक स्ट्रेचिंग। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्कआउट। जो मेन हमारा वर्कआउट होता है उसमें हम करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस में कार्डियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तकरीबन हमारी चलती है 40 से 45 मिनट तक की। एंड उसके बाद 10 से 20 मिनट का होता है हमारा कार्डियो। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने किया वार्म अप। वार्म अप में हमने हमारी बॉडी को ल्यूब्रिकेट किया, रेडी किया वर्कआउट के लिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेस्ट को ट्रेन करता हूं तो मेरे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज है। अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो मेरा पेक्टोरलिस मेजर कंप्लीट ट्रेन हो जाता है इन चार एक्सरसाइजेस में। एंड अगर मैं इन एक्सरसाइजेस के चार चार सेट भी करता हूं, एक सेट में मेरे 10 से 12 रेप रहते हैं, तो तकरीबन मैं 30 सेकंड में एक सेट कर लेता हूं। एंड उसमें मैं 1 मिनट तकरीबन का अगर ब्रेक भी लेता हूं, रेस्ट लेता हूं, तो चार सेट है, 4 मिनट का रेस्ट हो गया और 30-30 सेकंड का हम लगा लेते हैं कि एक सेट हो जाता है। अगर 10 रैप करता हूं मैं, 3 सेकंड में 1 रैप भी करता हूं, तो 30 सेकंड में मेरे पास हो जाते हैं 10 रैप। तो अगर एक एक्सरसाइज की मैं बात करूं, एक एक्सरसाइज तकरीबन मेरी 6 से 7 मिनट में हो जाती है। एंड 7 मिनट भी छोड़ो, अगर मैं 10 मिनट लगाता हूं एक एक्सरसाइज में, बेंच प्रेस के 4 सेट करने में अगर मैं 10 मिनट लगाता हूं, तो 4 एक्सरसाइज 10 10 10 10 40 मिनट। 40 मिनट में मेरे चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, मेरा पेक्टोरलिस मेजर कंप्लीट ट्रेन हो गया है। तो वार्म अप हो गया मेरा तकरीबन 15 मिनट का, 40 मिनट का हो गया तकरीबन मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 40 से 45 लगा लो चलो, 45 मिनट में मेरा पेक्टोरलिस मेजर कंप्लीट ट्रेन हो गया है। उसके बाद बचती है 10 से 20 मिनट का मेरा कार्डियो। एंड कार्डियो में मेरे को ब्रेक नहीं लेना। अगर मैं 10 मिनट एक कोई एक्टिविटी करता हूं तो कंटिन्यू मेरे को एक्टिविटी करनी है। कार्डियो भी मेरे पास 4 तरीके के होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड स्टेडी, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, मॉडरेट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। 4 तरीके की मेरे पास कार्डियो एक्टिविटीज होती है, फिर एरोबिक एक्टिविटीज होती है। अगर इन एक्टिविटीज को आप डीपली समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब जो मेरा मेन सेशन था, जो मेरा मेन वर्कआउट था, वो खत्म होता है। कितनी देर में, 40 मिनट का मेरा तकरीबन, 40 से 45 मिनट का तकरीबन मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड 15 से 20 मिनट का तकरीबन मेरा कार्डियो। तो 1 घंटे का जो ये मेरा वर्कआउट था ये हो गया। तो 15 मिनट वार्म अप, 1 घंटा मेन वर्कआउट एंड लास्ट की 15 मिनट होता है मेरा कूल डाउन फेज। वहां पे मैं करता हूं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है
वहां पे मैं योगा को परफॉर्म करता हूँ। अब मैं कोई भी मसल को स्ट्रेच करूंगा तो उसको मैं होल्ड करूंगा, वो होता है मेरा स्टैटिक स्ट्रेचिंग। यहाँ पे मैं मसल को होल्ड करता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। डायनामिक स्ट्रेचिंग में मैं होल्ड नहीं करता हूँ, वहां पे मैं कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करता रहता हूँ। एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग की जाती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो 15 से 20 मिनट की तकरीबन मेरी स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो गई, मेरा कूल डाउन फेस हो गया। तो कंप्लीट जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है वो होता है मेरा 1.5 घंटे का। 15 मिनट का मेरा हो गया तकरीबन वार्म अप, 1 घंटे का तकरीबन हो गया मेरा मेन वर्कआउट, जहां पे मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की, जहां पे मैंने कार्डियो वर्कआउट भी किया। उसके बाद 15 मिनट का तकरीबन आ गया मेरा कूल डाउन फेस। तो कुल मिला के टोटल हो जाता है मेरा तकरीबन 1.5 घंटे का वर्कआउट। तो 1.5 घंटे में अभी मैंने क्या क्या किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जिससे कि मेरे को मस्कुलर स्ट्रेंथ मिली एंड मस्कुलर एंड्योरेंस मिली। उसके बाद मैंने किया कार्डियो, कार्डियो में मेरे को क्या मिला, कार्डियो वस्कुलर एंड्योरेंस या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। उसके बाद मैंने क्या किया, कूल डाउन किया फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मैंने वहां पे ट्रेनिंग किया स्ट्रेचिंग की, तो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। तो अभी तक मेरे को 5 में से 4 चीजें मिल गई है, कौन कौन सी, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। 5th एंड लास्ट पॉइंट बचता है मेरे पास आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, वो मेरे को मिलेगा न्यूट्रिशन से। तो मैं घर जाऊंगा एंड अच्छी डाइट लूंगा, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करूंगा, तो मैं पांचों कंपोनेंट, फिटनेस के पांचों कंपोनेंट को अचीव कर सकता हूं। एंड अगर आप इस वर्कआउट प्रोटोकॉल को यूज करते हो, फॉलो करते हो, तो आप कंप्लीट फिटनेस को अचीव कर सकते हो। तो एक और रिकॉल करते, रिवाइज करते कि फिटनेस के मेरे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। एंड जो वर्कआउट प्रोटोकॉल है वो क्या है, स्टार्टिंग में 15 मिनट का वार्म अप, जिसमें कि मैं डायनामिक स्ट्रेचिंग करूंगा, ड्रिल्स परफॉर्म करूंगा। उसके बाद 1 घंटे का मेरा मेन वर्कआउट, मेन सेशन, जिसमें मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करूंगा एंड कार्डियो भी करूंगा। उसके बाद जो लास्ट आता है मेरा कूल डाउन फेस, कूल डाउन फेस में मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग करूंगा। एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग का, कूल डाउन का एक और बेनिफिट मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेन करते हो, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, तो आप डोम्स से, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, इससे भी बच सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एक ऐसा वर्कआउट शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताया जिससे कि आप कंप्लीट फिटनेस के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी ही और भी ज्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।